हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अपकमिंग कार्स की, जिसमें से एक का लॉन्च 7 जून को होने वाला है, जो कि हो जाती है टाटा एल्ट्रोस रेसर। नेक्स्ट कार है टाटा पंच फेसलिफ्ट एंड निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट। इन तीनों कार्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाटा एल्ट्रोस रेसर की बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 7 जून को इसका लॉन्च है। इस कार में दोस्तों आपको 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर देखने को मिलेंगे टॉप वेरिएंट में। और इसके तीन वेरिएंट्स ही आएंगे, जिसमें R3, R2, R1 मिलने वाला है आपको। R3 इसका टॉप वेरिएंट है। यहाँ पर फर्स्ट इन सेगमेंट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलेगा, तो जो न्यू भाई ड्राइव करेंगे उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी एज अ सेफ्टी फीचर। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपकी हेल्प करेगा ड्राइविंग करते टाइम। इनफैक्ट यहाँ पर आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा R1 मॉडल से ही, जो कि आप इसको कहने को इसका बेस कह लो। हालांकि जो इसके थ्री वेरिएंट्स आ रहे हैं ये अपने आप में ही ऑलरेडी काफी फीचर रिच हैं, पर R1 में ही आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। पर यहाँ पर आपको सेमी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो कि थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि यार देखो कार का नाम है एल्ट्रोस रेसर, तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देना तो बनता था। पर दोस्तों घबराइए नहीं, इसका जो R2 वेरिएंट है वहां पर आपको 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, साथ ही में आपको सनरूफ मिल जाएगा, 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, 360 कैमरा एक्सेट्रा। और जब आप इसका R3 वेरिएंट लेंगे, जो कि टॉप हो जाता है, वहां पे आपको टाटा का कार कनेक्ट मिल जाएगा, साथ ही में वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर, इनफैक्ट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से इस कार के तीनों वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलने वाले हैं एंड सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस कार में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे टाटा एल्ट्रोस रेसर में। ग्लोबल एनकैप 5-स्टार की सेफ्टी लेकर ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टाटा अपनी कार्स की सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके इंजन की। उससे पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हम बात करें एल्ट्रोस के इंजन की, ये इसकी वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर टाटा ने लगा दिया है नेक्सॉन का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो आपको देता है 120 HP एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो भाई कार भगाने के मामले में रॉकेट होने वाली है। इवन दो सेम इंजन होने के बाद भी ये कार नेक्सॉन से ज्यादा स्पीड में भागेगी। उसके रीजन हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV हो जाती है नेक्सॉन, जो कि थोड़ी बड़ी हो जाती है, उस कार का वेट भी ज्यादा हो जाता है। कंपैरेटिवली ऑल्ट्रोस इज लाइक अ प्रीमियम हैचबैक, तो छोटी कार में पावरफुल इंजन लगा देने की वजह से ये कार आपको नेक्सॉन से ज्यादा परफॉर्मेंस देगी, इवन दो हैविंग सेम इंजन। अपनी तरफ से बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टाटा आपको 3 ईयर या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी एज स्टैंडर्ड सारे वेरियंट्स में एल्ट्रोस रेसर के आपको देगी। दोस्तों अगर हम बात करें कार के प्राइसेस की, तो एल्ट्रोस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि 9,20,000 रुपए एक्स शोरूम से इसका फर्स्ट वेरिएंट स्टार्ट होगा और ये कार 10,50,000 रुपए के आसपास तक टॉप वेरिएंट को डिलीवर करेगा। यानी कि 11,500-12 लाख रुपए आपको इस कार के देने पड़ेंगे अगर आप टाटा एल्ट्रोस रेसर का टॉप वेरिएंट लेते हो। अब सोचने वाली बातें आती है दोस्तों कि क्या आप एक हैचबैक को, इवन दो इट्स अ रेसर कार, प्रीमियम कार, बट क्या आप इसको लेना पसंद करोगे या फिर आप महिंद्रा 3XO या फिर किसी और कॉम्पैक्ट SUV पे जाना चाहोगे? तो कमेंट करके जरूर बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कार के बारे में बात करते हैं, जो कि हो जाती है टाटा पंच फेसलिफ्ट। टाटा पंच इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार चल रही है पिछले कुछ महीनों से। उसके रीजंस हो जाते हैं कि भाई इस कार के अंदर आपको मिलती है ग्लोबल एनकैप, 5-स्टार सेफ्टी, और ये आपको 7 लाख रुपए बेस मॉडल ऑन रोड से ही मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि 7 लाख रुपए में आप सेफेस्ट कार अपने घर पे ले जाते हैं। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आपको इस कार में मिल रहा था, इनफैक्ट ये सेम ही इंजन कंटिन्यू रहने वाला है आगे। हालांकि रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि नेक्सॉन का इंजन टाटा पंच में लग सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि टाटा पंच टाटा एल्ट्रोस रेसर को, इनफैक्ट नेक्सॉन, दोनों की ही सेल्स को किल कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि टाटा ऐसा कोई काम करेंगे जिसकी वजह से उनकी टाटा एल्ट्रोस रेसर, जो भी ढंग से लॉन्च भी नहीं हुई है, ऑलरेडी फ्लॉप हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई टर्बो इंजन इस कार में आ सकता है, पर र्यूमर्स तो हैं, देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। साथ ही में ये कार भी आपको CNG में मिलेगी जब पंच फेसलिफ्ट आएगी, और ये भी र्यूमर्स चल रहे हैं कि इस कार में आपको ऑटोमेटिक CNG मिल सकती है। अगर टर्बो आता है तो देश की पहली कार बनेगी जो टर्बो ऑटोमेटिक CNG आपको मिलेगी। बूट स्पेस आपको पूरा मिलता है टाटा पंच में, क्योंकि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है। दोस्तों अगर हम बात करें वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स की, भाई चेंजेस क्या होंगे, आप लोगों को पता है जब भी फेसलिफ्ट कार आती है तो सबसे पहले वहां पर कार का फेस ही चेंज होता है। सो टाटा पंच की लुक में पिछले 3-4 सालों में कोई भी बदलाव नहीं करे गए हैं।
सो इसकी मेजॉरिटी ऑफ जो लुक इंस्पायर्ड रहने वाली है वो टाटा पंच ईवी से रहने वाली है। टाटा पंच ईवी जैसा ही इसका फेस हो जाएगा, जिसमें आपको कनेक्टेड पूरा सेटअप मिलेगा, लाइट्स का एलईडी लाइट्स इसके अंदर लग जाएंगे। कार का जो इंटीरियर का लेआउट है टाटा पंच जो एग्जिस्टिंग वाली है उसका ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, तो अब कार का जो लेआउट है इंटीरियर्स का वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कुछ फीचर्स एनहांस करेंगे, फॉर एग्जांपल 360 कैमरा मिल जाएगा, सेफ्टी पर्पस से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा और बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स देखने को भी मिल सकते हैं दोस्तों। इसका इंजन अगर जो सेम रहता है तो आपको पावर मिलेगी 115 न्यूटन मीटर एंड 86 bhp, 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलने वाली है पंच फेस लेफ्ट और फैक्ट्री फिटेड सीएनजी तो मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट की। निसान एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने इतिहास रचा है। आज की डेट में निसान एक लौती ऐसी कंपनी है जिसके पास सिर्फ एक ही कार है उनके पोर्टफोलियो में, वो है मैग्नाइट। ये तो इस कंपनी का सौभाग्य था कि किसी तरह इनसे गलती से एक कार डिजाइन हो गई और निसान ने सर्वाइव करा, और इतना अच्छा सर्वाइव करा कि कई सारी कंपनीज को ये कार अकेले टक्कर दे रही है। इनफैक्ट अगर आप इसे कंपेयर करते हो जो रिसेंट कंपनीज आई हैं, चाहे वो सिट्रॉन हो या फिर अगर हम बात करें रेनो की, इक्वली सेल्स कर पा रही हैं। 3-4 हज़ार यूनिट आराम से ये लोग इस कार की निकाल देते हैं। आने वाले दिन निसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इस कार के ऊपर बहुत सोच समझ के काम किया जाएगा। ये कार सचिन तेंदुलकर है इस कार पोर्टफोलियो की, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होती है तो निसान एज अ ब्रांड डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक लौती कार है तो बहुत सोच समझ के फीचर्स डाले जाएंगे। हालांकि ये कार सेफ है, 4-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग लेके आती है, CMF-A आर्किटेक्चर में बनी हुई है जिसपे आपको रेनो के ट्राइबर और काइगर भी देखने को मिलती है। हालांकि इस कार के कोई ऑफिशियल अपडेट्स कंपनी रिलीज नहीं कर रही है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कोई झूठी पिक्चर या झूठी अफवाह कहानी नहीं सुनाना चाहता इस कार के बारे में, पर एक चीज कंफर्म मैं आपको बता दूं कि इसकी सेफ्टी क्वालिटी सेम रहेगी। हो सकता है 6 एयरबैग्स आएंगे जब फेसलिफ्ट आएगा। डिजाइन में इसके थोड़े से चेंजेस डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ इसके स्पाई शॉट्स देखे गए हैं जहां पर इसके न्यू एलॉय और थोड़ा सा एनहांस लुक देखने को मिला है। कंपनी थोड़ा सा टाइम ले रही है एंड डेफिनेटली उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि वो चाहेंगे कि जब निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट आए तो ये कार वाकई में कारगर सिद्ध हो। एंड मैं चाहूंगा कि ये लोग कोशिश करें कि भाई 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी साथ में इंट्रोड्यूस कर दें। अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं तो जैसे वेन्यू है या फिर सोनेट है, जिस तरह उनमें भी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, इनफैक्ट फ्रॉन्क्स में भी कुछ उस तरीके का अगर ये काम करते हैं तो ये कार डेफिनेटली बेस्ट सेलर बनने की पॉसिबिलिटीज रखती है, क्योंकि निसान वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो संकोच ना करें बिल्कुल ही लाइक का बटन दबाने में और सब्सक्राइब करने में। हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।